अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाएंगे अंकुरित चने। इसकी चाट बना के आपको दिखाएंगे। ये देखिए, हमने अपने घर में ही अंकुरित करे हैं, इन्हें प्राउड भी बोलते हैं। अगर इनकी ये अंकुर 1 इंच से ज़्यादा लंबे हो जाए तो फिर ये विटामिन इनका बहुत कम रह जाता है, इसलिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमें इन्हें 1 इंच से लंबा नहीं करना होता। इन्हें ऐसा रखें, इतना रख लें बस, फिर इसको आप आराम से पका सकते हैं। इसकी हम चाट बनाएंगे और ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में और इसे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। पहले तो हम इसको उबालेंगे। उबालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमने एक बॉल ये यानी एक बॉल हमने ये प्राउड लिए हैं, अंकुरित चने लिए हैं। अंकुरित चने इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अंकुर निकल आते हैं, तो इन्हें अंकुरित चने बोलते हैं। ये देखिए, एक आलू लिया है, ये हमने धो लिया है और इसे अब हम छील लेंगे। ये देखिए, हमने अपने आलू को ऐसे कट कर लेना है और इन्हें फिर से पानी में धोना है छीलने के बाद, और ये सब हम कुकर में डाल देंगे। ये हमारा कुकर रखा हुआ है, कुकर में डाल देंगे। हमने आलू कुकर में डाल दिए हैं और ये अब हम प्राउड भी डाल देंगे अपने, और इसमें 1 कप पानी डालेंगे। इन चनों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं होता, और इसका ढक्कन लगा देंगे कुकर का। इसमें 1 सीटी लगाएंगे और 5 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पर छोड़ देंगे। इन्हें हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। फिर इसको खोल के आइए गैस चला देते हैं। अभी हमने फुल गैस पे यानी फुल फ्लेम पे इसे रख दिया है, और जब इसमें 1 सीटी आएगी तो फिर इसकी सीटी हम गैस को बिल्कुल लो कर देंगे और फिर 5 मिनट तक इसी को ऐसे ही रहने देंगे 5 मिनट तक गैस पे। फिर गैस बंद करके ठंडा करेंगे, फिर इनको निकालेंगे, फिर इसकी चाट बनाएंगे। ये देखिए, हमारे छोले पक चुके हैं, हमने कुकर गैस से उतार लिया है, हल्का सा गर्म है। आइए आपको खोल के दिखाते हैं। ये देखिए, अब इनमें पानी भी नहीं है बिल्कुल भी। अगर थोड़ा बहुत पानी बचता भी है तो आप उसे निकाल सकती हैं। इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए, हमने आपने छोले निकाल लिए हैं। ये हमारे जो प्राउड चने हैं अंकुरित, उन्हें हमने उबाल लिया है और आलू के छोटे छोटे पीसेज कर लिए हैं, और इसमें अब हम डालेंगे। ये हमने सबसे पहले बूरा ली है, चीनी पिसी हुई, ये डाल देंगे, और इसमें हम ये दही डालेंगे। इस दही में छोले मिलाएंगे। और दही डालेंगे। और इसमें ये मसाले डालेंगे। सबसे पहले ये काली मिर्चें हैं हमने जो आधा चम्मच से भी कम ली हैं, ये डाल देंगे। ये काला नमक है आधा चम्मच, ये डाल देंगे क्योंकि हमने उबालते में नमक इसमें छोलों में बिल्कुल नहीं डाला है। ये सफ़ेद नमक है, आधे चम्मच से कम डालेंगे। सबको मसाले हमने डाल दिए, काली मिर्च डाली है, काला नमक डाला है, चाट मसाला डाला है और वाइट नमक, सफ़ेद नमक भी डाला है। ये हमने इसमें अच्छे से मिला दिया है। ये मसाले सभी हमने मिला दिए हैं। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे कटी हुई थोड़ी सी, टमाटर डालेंगे, थोड़ी हरी मिर्ची डालेंगे, हरा धनिया पत्ता डालेंगे, हरी चटनी डाल देंगे, लाल सॉस डाल देंगे,
किशमिश डाल देंगे। ये हमारा कद्दूकस किया हुआ नारियल है, ये डालेंगे। और ये थोड़ा सा चाट मसाला फिर से डाल देंगे। हमारे छोले की चाट बनकर तैयार है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें और हमें बताएं आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। अगर आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें।